हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल मेक थर्मल। माय नेम इज वेदांत जोशी। आई विल बी कवरिंग द टॉपिक्स विच आर रिलेटेड टू थर्मल इंजीनियरिंग। सो टुडेस टॉपिक इज हीट एक्सचेंजर। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो इन विच वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर्स, फ्लो अरेंजमेंट इन हीट एक्सचेंजर्स एंड द LMTD मेथड, दैट इज लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस मेथड एंड द प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू इट। सो लेट अस स्टार्ट। हीट एक्सचेंजर इज अ डिवाइस इन विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लूइड टू अनदर। The hot fluid gets cooled and cold fluid is heated. Okay, so the basic necessity in heat transfer process is कि दोनों bodies का या फिर दोनों fluids का temperature अलग अलग चाहिए. Okay, so there should be a temperature difference between two. तभी तुम्हारा heat transfer होगा. Okay, और आपको एक ही बात याद रखना heat exchangers में कि hot fluid जो है वो अपना heat lose करेगा और वही heat cold fluid absorb करेगा. Okay, so the applications of heat exchangers are in steam power plants, refrigerators and air conditioners. Okay, so the condensers which are used in power plants or refrigerators, it is also an example of heat exchangers. तो आप condenser को भी एक heat exchanger बोल सकते हो, और the boilers which are used in power plants. Okay, so the boiler is also heat exchanger. Now the first topic is type of heat exchangers. Okay, so the heat exchangers are classified in three broad classes. The first one is transfer type heat exchangers, or you can call it as recuperators. Okay, so this is the diagram. This is hot water inlet, this is hot water outlet. So hot water will take entry from here, moves in this direction and leaves through this outlet. Okay, and this is cold water inlet and cold water outlet. So the cold fluid will take entry over here and leaves through this side. Okay, so these are very simple in construction, and the thing is these two fluids will never mix with each other. They will flow in separate pipes. Okay, and the heat transfer will take place through these solid walls. Now the second type is storage type heat exchangers or regenerators. Okay, so in this there is a one solid matrix. Okay, having high specific heat. तो इसमें क्या होगा कि hot fluid and cold fluid alternately flow होंगे. पहले hot fluid flow होगा, इसकी heat जो है ये solid matrix absorb कर लेगा. Okay, and it will store that heat in the form of internal energy, and then hot water will leaves from this side. Okay, and after that the cold water takes entry, absorb the heat of hot water and leaves through this side. Okay. तो इस टाइप के हीट एक्सचेंजर्स का एडवांटेज यही रहता है कि दिस आर वेरी कॉम्पैक्ट इन नेचर एज कम्पेयर टू अदर हीट एक्सचेंजर्स, एंड इसका सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम भी ज्यादा रहता है, जिसके कारण तुम्हारा हीट ट्रांसफर रेट एनहांस हो जाता है. नाउ थर्ड टाइप इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर्स. इन दिस टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर्स टू फ्लूइड मिक्स टूगेदर एंड ट्रांसफर हीट बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. सो द एग्जाम्पल्स आर लाइक जेट कंडेंसर एंड कूलिंग टावर. Now we will take the example of forced draft cooling tower. Okay, so this will be a air inlet and air exit. तो इधर आपका एक कंडेंसर रहेगा, तो कंडेंसर से जो वार्म वाटर आएगा वो इधर स्प्रे फॉर्म में नीचे गिरेगा, और ये एयर जो आ रहा है तो वो उसको कूल करेगा. तो कुछ वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा और कुछ कूल होके नीचे आएगा और इधर कलेक्ट हो जाएगा. फिर यही कूल वाटर बाद में हम कंडेंसर को सप्लाई करेंगे. ओके, सो दिस विल बी अ साइकिल ऑफ फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर. नाउ द सेकंड टॉपिक इज फ्लो अरेंजमेंट इन रेक्यूपरेटिव हीट एक्सचेंजर्स. ओके, सो जो ये रेक्यूपरेटिव जो हमने फर्स्ट टाइप में पढ़ा था, इसके कुछ सब टाइप्स है हीट एक्सचेंजर्स से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में. दिस पैरल फ्लो हीट एक्सचेंजर एंड काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर्स, हमेशा इस पे प्रॉब्लम्स आते हैं. सो वी विल लर्न दिस इन फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट द पैरल फ्लो हीट एक्सचेंजर. ओके, सो पैरल फ्लो हीट एक्सचेंजर में क्या होता है कि दोनों फ्लूड का जो डायरेक्शन है, हॉट फ्लूड एंड कोल्ड फ्लूड, वो सेम रहता है. आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये हॉट फ्लूड इधर से एंटर करेगा और इधर से एग्जिट लेगा, और वैसा ही कोल्ड फ्लूड इधर से एंट्री लेगा और यहाँ से एग्जिट करेगा. ओके, सो दोनों फ्लूड्स का डायरेक्शन सेम होगा. ओके, नाउ दिस इज द टेम्परेचर प्रोफाइल ऑफ पैरल फ्लो. ओके, दिस इज डायरेक्शन ऑफ हॉट फ्लूड एंड दिस इज द फ्लो डायरेक्शन ऑफ कोल्ड फ्लूड. ओके, this THI is the initial temperature of hot fluid and TSO is the final temperature of hot fluid. Okay, तो initially hot fluid का जो temperature ज़्यादा होगा, और बाद में process के वक्त मतलब बाद at the end it will be a less. क्यों? क्योंकि ये heat cold fluid को supply करेगा, और वही cold fluid का जो initial temperature वो कम था पहले, वो बाद में बढ़ेगा. Okay, so THI initial temperature, THO that is the final temperature of hot fluid, TCI is the initial temperature of cold fluid and TCO is the final temperature of cold fluid. Okay, so इसका hot fluid का final temperature कम होगा और cold fluid का बढ़ेगा. Now this delta TI is the temperature difference between THI and TCI, okay, at the inlet of heat exchanger,
एंड टी एच ओ माइनस टी सी ओ इज इक्वल टू डेल्टा टी ओ, दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस एट द आउटलेट ऑफ हीट एक्सचेंजर्स. ओके, नाउ द सेकेंड हीट एक्सचेंजर इज काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर्स. इन काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर्स द डायरेक्शन ऑफ हॉट फ्लूड एंड कोल्ड फ्लूड इन अपोजिट डायरेक्शन. ओके, तो आप ये देखो कि हॉट फ्लूड ऐसे एंट्री ले रहा है और ये एग्जिट इधर कर रहा है, पर कोल्ड फ्लूड का जो डायरेक्शन है इसके अपोजिट में जा रहा है. ओके, सो तो काउंटर फ्लो में अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा और पैरेलल फ्लो में सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा. नाउ दिस इज द टेम्परेचर प्रोफाइल ऑफ द काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर्स. ये हॉट फ्लूड ऐसा मूव होगा और कोल्ड फ्लूड इधर से ये मूव होगा. ये एरो देखो मैंने इधर दिखाया है क्योंकि अपोजिट इन डायरेक्शन है. ओके, सो इधर भी जो है कि टी एच आई इनिशियली हॉट फ्लूड का जो इनिशियल टेम्परेचर वो ज्यादा रहेगा, टी एच ओ फाइनल टेम्परेचर कम होगा क्योंकि वो हीट कोल्ड फ्लूड को देगा और कोल्ड फ्लूड का इनिशियल टेम्परेचर कम होगा और वो जब हॉट फ्लूड से हीट लेगा एब्जॉर्व करेगा तो उसका फाइनल टेम्परेचर कोल्ड फ्लूड का बढ़ेगा. ओके, सो दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस डेल टी आई, दैट इज टी एच आई माइनस टी सी ओ इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस. ओके, एट द इनलेट यू कैन से टेम्परेचर डिफरेंस एट द इनलेट एंड दिस विल बी डेल्टा टी ओ इक्वल टू टी एच ओ माइनस टी सी आई. ओके, दैट इज हॉट फ्लूड आउटलेट माइनस कोल्ड फ्लूड इनलेट, सो दिस विल बी अ टेम्परेचर डिफरेंस एट द आउटलेट ऑफ हीट एक्सचेंजर्स. तो आपको एक बात याद रखना है काउंटर फ्लो में कि आउटलेट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर है वो कभी भी ग्रेटर नहीं होगा किससे, टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर आउटलेट. ओके, तुम्हारा आउट वाटर इनलेट जो है कोल्ड का वो इनिशियली हॉट वाटर इनलेट के इतना हो सकता है, बट द आउटलेट ऑफ द कोल्ड फ्लूड विल बी नेवर ग्रेटर देन इनिशियल टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूड. ओके, सो ये कंडीशंस एग्जाम में पूछते हैं. और वैसे ही पैरेलल फ्लो में कोल्ड वाटर का जो आउटलेट है वो कभी भी ज्यादा नहीं रहेगा हॉट वाटर के आउटलेट से. ओके, और काउंटर फ्लो में कोल्ड वाटर का आउटलेट कभी भी नहीं ज्यादा रहेगा हॉट वाटर के इनलेट से. ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस. द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इन हीट एक्सचेंजर्स कैन बी एक्सप्रेस एज, नाउ दिस इज द फॉर्मूला, क्यू डॉट इज इक्वल टू यू ए एस डेल टी एम, where Q dot is heat transfer rate, U is overall heat transfer coefficient, AS is surface area and delta M is the average temperature difference between two fluids. पर बाद में ये पता चला कि ये जो average temperature difference है between two fluids ये logarithmic in nature है. okay, so the formula comes out to be Q dot is equal to UAS delta M L. okay, so this is your log mean temperature difference. okay, so log mean temperature difference, it is a suitable form of average temperature difference because your curve is logarithmic in nature, that's why the log mean temperature difference comes into picture. okay, so iska formula hai aur is pe bahut questions puchte hai for different heat exchangers like parallel flow heat exchangers and counter flow heat exchangers. okay, so del t lm, that is log mean temperature difference, is equal to del t1 minus del t2 divided by the ratio of ln of del t1 divided by del t2. Now this delta T1 is a temperature difference at the inlet of heat exchanger and delta T2 is a temperature difference at the outlet of heat exchangers. Now these are some points, these are very important for the exams. Okay, exams mein aapko ye directly pooch lete hai. The first one is, for same inlet and exit temperature of two fluids, delta M of counter heat exchanger is greater than delta LM of parallel flow heat exchangers. okay, so LMTD जो है हमारा log mean temperature difference, वो counter का, counter heat exchanger का हमेशा parallel से ज्यादा रहता है. okay, now the second one is, for same heat transfer rate Q and the same overall heat transfer coefficient U0, the surface area required for counter flow operation is always less than that of parallel flow. okay, तो सरफेस एरिया आपको काउंटर में बहुत कम लगेगा और ये बहुत इफेक्टिव है. ओके, द थर्ड वन इज, ये हमने पहले ही देखा कि पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर्स में आउटलेट ऑफ हॉट फ्लूइड इज ग्रेटर देन द आउटलेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड. ओके, दैट इज हॉट फ्लूइड कैन नॉट बी कूल टू टेम्परेचर लोअर देन कोल्ड फ्लूइड टेम्परेचर. ओके, एंड इन काउंटर फ्लो टी एच ओ, दैट इज हॉट वाटर आउटलेट, कैन बी लेस देन टी सी ओ, दैट इज कोल्ड वाटर आउटलेट. ओके, सो कोल्ड फ्लूड कैन बी हीटेड अबव टी एच ओ. ओके, तो ये जो तीनों ये एडवांटेज है इसके कारण काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर पैरल फ्लो हीट एक्सचेंजर से बहुत बेटर है और यही सब रीजन से वो इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होता है. नाउ वी विल सॉल्व प्रॉब्लम्स
रिलेटेड टू पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर्स एंड काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर्स। ओके, सो मैंने बहुत बेसिक्स प्रॉब्लम लिए है, इससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और जो भी प्रॉब्लम्स है वो मैंने गेट का लिया है, ओके, गेट एग्जाम का लिया है। और अगर आप भी गेट, आईएएस, बार्क या फिर इसरो एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके पास भी प्रीवियस सॉल्व पेपर्स रहना चाहिए। ओके, सो जो प्रीवियस सॉल्व पेपर्स का जो बुक आता है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। फॉर द गेट एग्जाम, आईएएस या फिर इसरो, कौन सा भी एग्जाम रहें दो, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो लिंक चेक कर सकते हो। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड्स एंटर द पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर्स एट द 100 डिग्री सेल्सियस एंड 15 डिग्री सेल्सियस। द हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड इज गिवन एज सी एच ऑफ हॉट, दैट इज हीट कैपेसिटी इज 2000 वैट पर केल्विन एंड द स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ कोल्ड फ्लूइड इज 1200 वॉट पर केल्विन। ओके, इफ द आउटलेट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड इज 45 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस, यू हैव टू फाइंड LMTD। ओके, ये गेट 2019 का क्वेश्चन है। नाउ इसमें सबसे पहले आपको तो टेम्परेचर प्रोफाइल बनाने का है, THI, THO, TCI, TCO। इसका हॉट फ्लूड का टेम्परेचर कम होगा, कोल्ड फ्लूड का बढ़ेगा। इनलेट टेम्परेचर दिया है हॉट फ्लूड का 100 डिग्री सेल्सियस, इनलेट टेम्परेचर दिया है कोल्ड फ्लूड का 15 डिग्री सेल्सियस, और कोल्ड फ्लूड का आउटलेट टेम्परेचर भी दिया है 45 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो सबसे पहले मैंने यही बोला था कि हीट एक्सचेंजर्स में आपको यही बात याद रखने का है, हीट लॉस बाय हॉट फ्लूड विल बी इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड फ्लूड। ओके, तो ये सेंसिबल हीटिंग होगा। सो द फॉर्मूला इज MCP डेल्टा ऑफ हॉट इज इक्वल टू MCP डेल्टा ऑफ कोल्ड फ्लूड। ओके, सो इसका जो है मास, तो मास फ्लो रेट के बारे में कुछ दिया नहीं, तो फिर MM कैंसिल हो जाएगा। CP ऑफ जो हॉट वाटर है वो दिया है 2000, और टेम्परेचर डिफरेंस है, ओके, फाइनल माइनस इनिशियल, इट विल बी, सॉरी नॉट फाइनल माइनस इनिशियल, बट यू हैव टू टेक केयर दैट इट शुड बी अ पॉजिटिव। ओके, क्योंकि नेगेटिव नहीं आना चाहिए। सो इट विल बी 100 माइनस अननोन। ये THO ऑब्वियस कम ही होगा, क्योंकि एट दी एंड इसका टेम्परेचर हॉट फ्लूड का कम ही होने वाला है। विल बी इक्वल टू CP ऑफ कोल्ड फ्लूड, दैट इज 1200, एंड द टेम्परेचर डिफरेंस इज, ये भी पॉजिटिव रहना चाहिए। तो इनलेट और आउटलेट का दोनों टेम्परेचर डिफरेंस दिया है, तो 45 माइनस 15 कम्स आउट टू बी 30। ओके, सो ये सॉल्व करने के बाद आपका THO जो आपका हॉट वाटर आउटलेट है वो निकल के आएगा 82 डिग्री सेल्सियस। ओके, देन वी हैव टू कैलकुलेट द LMTD। नाउ फॉर LMTD द फॉर्मूला इज डेल्टी 1 माइनस डेल्टी 2 डिवाइडेड बाई द LN ऑफ डेल्टी 1 डिवाइडेड बाई डेल्टी 2। नाउ दिस डेल्टी 1 इज द टेम्परेचर डिफरेंस एट इनलेट, तो इनलेट पे आपका क्या है टेम्परेचर डिफरेंस, THI माइनस TCI। सो मैंने ये लिख दिया माइनस डेल्टी 2, दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस एट आउटलेट, इट विल बी THO माइनस TCO। ओके, डिवाइडेड बाई LN ऑफ सेम THI माइनस TCI डिवाइडेड बाई THO माइनस TCO। इसका वैल्यूज मैंने पुट कर दिया, THI 100 माइनस TCI 15 माइनस THO 82 जो हमने कैलकुलेट किया था माइनस TCO दैट इज 45, एंड डिवाइडेड बाई दी LN ऑफ 100 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 82 माइनस 45। सो द LMTD कम्स आउट टू बी 57.71 डिग्री सेल्सियस। दिस इज सेकेंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर्स। ओके, हॉट फ्लूड एंटर्स एट 60 डिग्री सेल्सियस एंड कोल्ड फ्लूड लीव्स एट 30 डिग्री सेल्सियस। मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूड इज 1 kg/s एंड ऑफ कोल्ड फ्लूड इज 2 kg/s। स्पेसिफिक हीट ऑफ हॉट फ्लूड इज 10 kJ/kg एंड दैट ऑफ कोल्ड फ्लूड इज 5 kJ/kgK एंड यू हैव टू फाइंड द लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस इन डिग्री सेल्सियस। ये गेट 2007 का क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे पहले टेम्परेचर प्रोफाइल बनाएंगे हम काउंटर फ्लो का। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ हॉट फ्लूड फ्लो, और मैंने बोला था कि काउंटर फ्लो में दोनों फ्लूड का, हॉट एंड कोल्ड का फ्लो ऑफ डायरेक्शन अपोजिट रहता है, तो कोल्ड फ्लूड ऐसा मूव करेगा। ओके, सो दिस विल बी अ THI, THO, और इसका TCI इधर आएगा और TCO इधर आएगा। नाउ दिस थिंग्स आर गिवन, दैट इज THI 60 डिग्री दिया है, TCO आउटलेट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूड 30 डिग्री सेल्सियस दिया है, MH मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूड इज 1 kg/s, मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूड इज 2 kg/s, स्पेसिफिक हीट ऑफ हॉट फ्लूड इज 10 kJ/kgK एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ कोल्ड फ्लूड इज 5 kJ/kgK। अगेन द सेम थिंग यूज, हीट लॉस बाय हॉट फ्लूड विल बी इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड फ्लूड। ओके, सो द MCP डेल्टा ऑफ हॉट फ्लूड विल बी इक्वल टू MCP डेल्टा ऑफ कोल्ड फ्लूड। ओके, सो द मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूड इज 1 kg/s। ओके, स्पेसिफिक हीट ऑफ हॉट फ्लूड इज 10 kJ/kgK, और ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये THI माइनस THO, ये हमेशा तुम्हारा टेम्परेचर डिफरेंस चाहे हॉट वाटर का हो या फिर कोल्ड वाटर का, ये तुम्हारा पॉजिटिव ही आना चाहिए। ओके, सो इट विल बी 60 माइनस THO बिकॉज THO इज नॉट गिवन, विल बी इक्वल टू मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूड दैट इज 2 kg/s इंटू द स्पेसिफिक हीट ऑफ कोल्ड फ्लूड दैट इज 5 kJ/kgK
and the temperature difference TCO minus TCI, which is 30 minus TCI. TCI भी दिया नहीं, वो भी कैलकुलेट करना है. तो ये वैल्यूज पुट करेंगे, 60 माइनस THO तो वैसे ही रहेगा, ये सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 30 माइनस TCI. फिर ये टर्म्स को रीअरेंज करेंगे, ये THO उधर जाएगा, सो इट विल बी THO माइनस TCI विल बी इक्वल टू 60 माइनस 30. ओके, सो जो तुम्हारा THO माइनस TCI एट द आउटलेट, यू कैन सी THO माइनस TCI डेल्टी टू इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस. ओके, और जो तुम्हारा डेल्टी वन है, टेम्परेचर डिफरेंस एट इनलेट, दैट इज THI माइनस TCO. ओके, THI माइनस TCO ये भी 30 है. तो एक बात याद रखो, जब टेम्परेचर डिफरेंस एट इनलेट इज इक्वल टू द टेम्परेचर डिफरेंस एट आउटलेट, तो तुम्हारा LMTD भी उतना ही आएगा, विच इज इक्वल टू द टेम्परेचर डिफरेंस एट इनलेट और टेम्परेचर डिफरेंस एट आउटलेट. ओके, सो व्हेन डेल्टी वन इज इक्वल टू डेल्टी टू, LMTD दैट इज लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टी वन और डेल्टी टू. तो LMTD इस केस में भी 30 डिग्री सेल्सियस आएगा. और जब डेल्टी वन और डेल्टी टू इक्वल आते, तो ये जो प्रोफाइल है, ओके, ये जो कर्व है, ये तुम्हारा पैरेलल हो जाता है, पूरा पैरेलल लाइन आ जाता है. ओके, तो ये पहले तो ये लॉगरिथमिक था, जब ये तुम्हारा डेल्टी वन और डेल्टी टू अलग अलग था, पर ये जब सेम हो जाता है तो तुम्हारा कर्व जो है वो पैरेलल आ जाता है. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट हीट एक्सचेंजर्स. इन सेकेंड पार्ट वी विल स्टडी अबाउट द इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी ऑफ हीट एक्सचेंजर्स. अब स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक यूज करो इन सब्जेक्ट्स के लिए. ओके, जो मैं स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक यूज करता हूँ, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जाके देख सकते हो. ओके, सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. थैंक यू.